हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मिस्टर मरमेड एपिसोड 31। एपिसोड 30 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यंदो तेंगी बाई से ये क्वेश्चन पूछती है कि मुझे डर है कि तुम मुझे इतनी अच्छे से ट्रीट करते हो, लगता है तुम मेरे ही नहीं हो सकते। और तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लिंजी ने उस टाइम यंदो से ये भी कहा था कि तुम जानती हो तेंग इवाई तुम्हें इतने अच्छे से ट्रीट क्यों करता है, क्यों तुम्हें अपनी लाइफ का सबसे स्पेशल पर्सन कहता है। तो यंदो कहती है, तुम्हारा मतलब तेंग इवाई लिन सेंग के रिप्लेसमेंट पर मुझे ट्रीट कर रहा है। तो लिंजी कहता है, सिर्फ तेंग इवाई ही इसका आंसर दे सकता है। तो गाइज, यंदो ने तेंग इवाई से इसलिए ये सवाल पूछा है। तो तेंग इवाई यंदो को हक कर लेता है और कहता है, आई डोंट नो तुम्हारी फुलिश ब्रेन में क्या चल रहा है, मुझे ये भी नहीं पता कि तुम्हारा हार्ट ये सब कैसे फील कर रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, प्लीज बिलीव मी, बिकॉज तुम वो फर्स्ट गर्ल हो जिसे मैंने सबसे ज्यादा लाइक किया है, तुम वो फर्स्ट गर्ल हो जिसे मैं अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा चाहता हूँ। तो यंदो भी उसे हक कर लेती है और फिर ये दोनों यही फ्रीज हो जाते हैं। तो फिर यंदो भी तेंग इवाई से अपनी फीलिंग कन्फेस कर देती है कि आई लाइक यू, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा लाइक करती हूँ रियली। तो तेंग इवाई उसे किस कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लास्ट टाइम यंग यंग ने जिस गाय की हेल्प की थी वो साउ टीम ट्रेनिंग के लिए आता है। तो वो यंग यंग को बुलाता है और यंग यंग उससे पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए हो। तो वो उसे बताता है कि मैं ईशो कॉलेज टीम का कैप्टन हूँ, लिन हाओ यंग। तो यंग यंग और बाकी सारी गर्ल्स उसका नेम सुनकर शॉक हो जाते हैं और चिरी फोंग और उनकी टीम तो ऑलरेडी उन्हें जानते हैं। तो यंग यंग कहती है, और सन क्या तुम लिन हाओ यंग हो। तो वो कहता है, हाँ, तुमसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। तभी चिरी फोंग आता है और कहता है, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो लिन हाओ यंग कहता है कि हाँ, कुछ दिन पहले यंग यंग ने उसकी हेल्प की थी। यंग यंग मेरे लिए एक स्पेशल लेडी है, मैं उसे कोर्ट करना चाहता हूँ। तो लिंगी और बाकी सब ये सुनकर काफी शॉक हो जाते हैं और काफी हैप्पी भी होते हैं, लेकिन चिरी फोंग जेलिस होता है और वो लिन हाओ से कहता है, तुम उसे कोर्ट करना चाहते हो, वो एग्री भी है या नहीं। तो लिन हाओ कहता है, वो एग्री क्यों नहीं है। और यंग यंग के शोल्डर पर हाथ रखकर कहता है, मैंने ठीक कहा ना यंग यंग। और उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है कि आई लाइक यू, क्या तुम ट्रेनिंग के बाद मेरे साथ कैफेटेरिया चलोगी। तो यंग यंग बहुत ज्यादा शॉक और बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है और उसका बिना आंसर दिए ही वहाँ से चली जाती है और कहती है, लिन हाओ ने चिरी फोंग के सामने मुझे कोट किया है, चिरी फोंग क्या सोच रहा होगा। और फिर चैन की सांस लेकर कहती है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, व्हाटएवर। और जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर निकलती है, वहीं उसे लिन हाओ फिर मिल जाता है और उससे कहता है, मैं तुम्हारी आंसर का वेट कर रहा हूँ, क्या तुम ट्रेनिंग के बाद मेरे साथ जाना चाहती हो। तो इससे पहले कि यंग यंग कुछ बोले, चिरी फोंग वहाँ आ जाता है और जेलेसी के साथ कहता है, तुम उसके साथ जाना चाहती हो, राइट। तो यंग यंग भी फिर चिरी फोंग के सामने लिन हाओ को हाँ बोल देती है। तो चिरी फोंग वही फिर एक बार जेलिस होने लगता है। आगे यंदो लिंजी से मिलने हॉस्पिटल आती है और उसे बताती है कि मैं और तेंगी बाई डेटिंग कर रही हैं और मैंने तेंगी बाई से वो क्वेश्चन भी पूछा था, लेकिन उसके दिल में मेरे लिए सच्ची फीलिंग्स हैं और मैं अपनी डेटिंग तुमसे हाइड नहीं करना चाहती। तो लिंजी कहता है, तो सच में तुम उसके साथ डेट कर रही हो। तो यंदो कहती है, हाँ, और तेंगी बाई को बताना चाहती हूँ कि मैं शाओ सेंग को जानती हूँ। तो लिंजी कहता है, अगर शाओ सेंग तुम्हारी बीच आएगी तो इसका इफेक्ट तुम्हारी रिलेशनशिप पर नहीं पड़ेगा। तो यंदो कहती है, चाहे कुछ भी हो लेकिन मैं उससे हाइड नहीं करना चाहती। और लिंजी से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज तेंगी बाई को शाओ सेंग से मिलने दो। तो लिंजी मानता नहीं है, लेकिन यंदो उसे समझाती है कि तुम्हें एक बार अपना एरोगेंट साइड में रखकर लिन सेंग की फीलिंग्स के बारे में सोचना चाहिए कि वो तेंगी बाई की कितनी वैल्यू करती है। और कहती है, तुम पहले डिसाइड कर लो फिर मुझे बताना, लेकिन एक बार इस बात को ध्यान से सोचना, मैं तुम्हारे डिसीजन का वेट करूंगी। जब तक तुम डिसाइड नहीं कर लेते तब तक मैं ये बात हाइड रखूंगी सबसे।
और ये कहकर चली जाती है। वेल आगे यंग यंग और लिन हाओ डिनर से वापस जा रही होती हैं कि वहाँ चिरी फंग भी उन्हें फॉलो करता है, तो लिन हाओ यंग यंग का हाथ पकड़ लेता है लेकिन यंग यंग छोड़ देती है। तो चिरी फंग उन्हें देखकर कहता है, ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, और अपने मन में ही उनके लिए काफी सारे एक्सक्यूज बनाने लगता है। तो लिन हाओ यंग यंग को उसका हाथ पकड़ने के लिए सॉरी कहता है। तो यंग यंग कहती है, सॉरी तुम मेरी वजह से अपोलोजाइज करते हो, लेकिन एक्चुअली मैं किसी और को लाइक करती हूँ। तो लिन हाओ कहता है, चिरी फंग राइट? तो यंग यंग कहती है हाँ। इधर चिरी फंग को लगता है कि यंग यंग उसके साथ डेट करने के लिए एग्री हो रही है। वेल यंग यंग कहती है, लेकिन वो किसी और को लाइक करता है। तो लिन हाओ कहता है, क्या वो तुम्हें लाइक नहीं करता? तो यंग यंग कहती है, नहीं वो हमारे कैंपस की एक ब्यूटीफुल गर्ल को लाइक करता है। उसे लगता है कि मैं एक स्टूपिड गर्ल हूँ जो और गर्ल्स की तरह नहीं है, एक्चुअली मैं सच में एक स्टूपिड ही हूँ। तो लिन हाओ उसे स्टॉप कराता है और उसे हक कर लेता है। और इधर चिरी फंग उन दोनों को देख कर मिसअंडरस्टैंड हो जाता है और अपसेट होकर चला जाता है। तो लिन हाओ यंग यंग से कहता है, आई फील कि वो तुम्हें लाइक करना डिजर्व नहीं करता, प्लीज मुझे एक चांस दे दो, मुझे ये प्रूव करने दो कि मैं तुम्हें कितना लाइक करता हूँ। तो आगे चिरी फंग एक फ्लैशबैक में चला जाता है जिसमें यंग यंग उसकी कॉम्पिटिशन से पहले उसके लिए फूड कुक करती है। तो वहाँ की किचन आंटी उससे कहती है, तुम ये उस गाय के लिए बना रही हो ना? और वहाँ चिरी फंग भी उनकी बातें सुनने लगता है। तो यंग यंग कहती है कि हाँ, क्योंकि वो एक केयरलेस गाय है, तो मैं उसकी कॉम्पिटिशन से पहले उसके लिए न्यूट्रिशन फूड तैयार कर रही हूँ। तो वो आंटी यंग यंग से कहती है, तुम एक केयरिंग गर्ल हो। और चिरी फंग भी उससे इम्प्रेस होता है। तो आगे चिरी फंग उसी नाइट यंग यंग का वेट कर रहा होता है, और जैसे ही वो आती है तो चिरी फंग हाइड हो जाता है और जानबूझकर अपने लिए उसे वेट करवाता है। फिर कुछ देर बाद बाहर आता है तो यंग यंग उससे कहती है, तुम्हें पता है कि तुम्हारे कॉम्पिटिशन से पहले मैं हमेशा तुम्हारा वेट करती हूँ, फिर भी तुम मुझे वेट कराते हो। वेल यंग यंग कहती है, ये तुम्हारा फूड है, कोच युआन ने मुझे तुम्हारे लिए खरीदने को बोला था। तो चिरी फंग कहता है, रियली कोच युआन की वजह से तुम मेरे लिए ये खरीद के लाई हो? तो वो कहती है हाँ, इसे याद से खा लेना, और चली जाती है। तो गाइज यंग यंग उसे कभी नहीं बताती थी कि वो उसके लिए खुद कुक करके फूड लाती है, लेकिन चिरी फंग को ये सीक्रेट ऑलरेडी पता था कि वो कोच युआन के कहने पर नहीं बल्कि उसकी केयर करती है, इसलिए खुद उसके लिए कुक करके लाती है। तो चिरी फंग इस पास्ट को याद करके कहता है कि तुम मेरी इतनी केयर क्यों करती हो, और तुम इतनी इजीली उस गाय के साथ में कैसे जा सकती हो मुझे छोड़कर। आगे उनके कैफेटेरिया में एक न्यूज चल रही होती है जिसमें एक स्विमर झांग यंग चिरी फंग के बारे में बोल रहा होता है कि चिरी फंग हो या ओ यंग, ये टाइम अब मेरा चल रहा है। तो चिरी फंग उस पर भड़क जाता है और कहता है, ये कौन है जो बकवास कर रहा है? तो तेंगीवाई कहता है, ये झांग यंग है जिसका मेंशन कोच बू ने लास्ट टाइम लिन हाओ के साथ किया था। तो चिरी फंग कहता है, ठीक है झांग यंग, मैं तुम्हें याद रखूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में तेंगीवाई ट्रेनिंग कर रहा होता है, तो वहाँ झांग यंग भी आता है और तेंगीवाई से कहता है, तुम भी यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए आते हो? तो तेंगीवाई कहता है, तुम झांग यंग हो ना? तो झांग यंग कहता है, तुम्हें मेरा नेम पता है? और काफी हैप्पी होकर कहता है, तेंगीवाई मेरा नेम जानता है, मैं बहुत हैप्पी हूँ। तो तेंगीवाई कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए? तो झांग यंग कहता है, नहीं मैं तो यहाँ सिर्फ अपने आइडल को देखने आया था। तो तेंगीवाई कहता है, आइडल? कौन है तुम्हारा आइडल? तो झांग यंग कहता है, तुम। तो तेंगीवाई शॉकिंगली कहता है, क्या मैं? तो वो कहता है, हाँ मैं तुम्हारे कॉम्पिटिशन्स को हाई स्कूल से फॉलो कर रहा हूँ, तुम मेरे फेवरेट तब से हो जब से तुमने सेकेंडरी स्कूल में गोल्ड मेडल जीता था, और जब तुम्हें 4 साल पहले सस्पेंड किया गया था तो मैं बहुत एंग्री हुआ था। और उसे ये भी बताता है, जिस गर्ल ने तुम्हें हार्म पहुंचाया था उस गर्ल का एक कार एक्सीडेंट हो गया था। तो तेंगीवाई शॉक रह जाता है और कहता है, क्या कार एक्सीडेंट? तो वो कहता है, हाँ। तो तेंगीवाई कहता है, तुम्हें ये बात कहाँ से पता चली? तो वो कहता है, हमारे हाई स्कूल में स्विम टीम के सीनियर ने बताया था कि जिस गर्ल की वजह से तुम्हें सस्पेंड किया गया था वो गर्ल एक कार एक्सीडेंट का शिकार हो गई थी। तो तेंगीवाई पूछता है,
क्या उसका नेम लिन सेंग है? तो वो कहता है हाँ। तो तेंगी बाई कहता है क्या वो स्टडी के लिए अब्रॉड नहीं गई? तो झांगयंग कहता है नहीं, वो अब्रॉड नहीं गई, वो तो तुम्हें अवॉइड करने के लिए एक्सक्यूज बनाया गया था। सीनियर ने बताया था कि उन्होंने उस गर्ल का एक्सीडेंट होते हुए देखा था और उन्होंने उस गर्ल को हॉस्पिटल जाते हुए भी देखा था। तो तेंगी बाई बुरी तरह शॉक हो जाता है और इस बात को मानने से एक्सेप्ट नहीं करता है कि लिन सेंग अब्रॉड स्टडी करने के लिए गई है। वो बिल्कुल ठीक है, ये सब जो तुमने सुना ये एक र्यूमर होगी। तो झांगयंग कहता है वैसे भी ये अब इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं तो यहाँ बस तुमसे मिलने आया था और तुम्हें चैलेंज करने आया था कि नेक्स्ट कॉम्पिटिशन में मैं तुम्हें हरा सकता हूँ, क्या तुम्हें मेरा चैलेंज एक्सेप्ट है? तो वो कहता है ठीक है। तो आगे लिन सेंग की एक और सर्जरी की जाती है तो वो बहुत वीक हो जाती है और डॉक्टर कहते हैं इसकी कंडीशन का कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो कितने दिन लाइव रहेगी। तो लिंजी काफी हार्ट ब्रोकन हो जाता है। आगे यंदो तेंगी बाई से मिलने स्टेडियम आती है। जब वो पूल में होता है तो तेंगी बाई पूल में लिन सेंग के बारे में सोच रहा होता है कि 4 साल पहले उसके पॉमीग्रेनेट जूस में लिन सेंग ने कुछ मिलाया था। तो वो उसे सॉरी बोलती है और जैसे ही उसे एक्सप्लेन करने वाली होती है तो वो उससे ये कहकर चला जाता है कि मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। तो तेंगी बाई ये सोचने में इतना बिजी होता है कि वो यंदो की वॉइस नहीं सुन पाता है और वो उसे आवाज लगाती जाती है, लेकिन जब वो कोई रेस्पॉन्ड नहीं देता है तो वो भी पूल में कूद जाती है। तो वो उसे देख कर शॉक हो जाता है। तो यंदो कहती है तुम मुझे सुन क्यों नहीं रहे थे, तुमने मुझे डरा दिया, क्या तुम ठीक हो? तो वो कहता है मैं खुद को काम कराने के लिए पानी में रहता हूँ और उसे पूल से बाहर निकाल के लाता है और उसे लिन सेंग के बारे में सब बताता है कि मेरी हाई स्कूल में एक बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन उस टाइम कुछ ऐसा हुआ था कि मैंने उससे कांटेक्ट खो दिया। मैंने प्रीवियसली किसी से सुना था कि वो स्टडी के लिए अब्रॉड गई है, लेकिन आज मुझे पता चला कि वो अब्रॉड गई ही नहीं थी, इनफैक्ट उसका कार एक्सीडेंट हो गया था। फिर मुझे वो वर्ड्स याद आए जब मैंने उससे कहा था कि मैं तुम्हारी एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना चाहता, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता, लेकिन वो सारे वर्ड्स मैंने गुस्से में कहे थे। एक्चुअली मैं उसे इस टाइम देखना चाहता हूँ और सॉरी कहना चाहता हूँ, मैंने उस टाइम जो कुछ भी कहा था सच में मेरा वो मतलब नहीं था, शायद उस टाइम सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मैंने उसे गलत ब्लेम दे दिया, लेकिन अभी मुझे बहुत डर है। तो यंदू उसके पास आकर कहती है डोंट वरी वो ठीक है। तो तेंगी बाई कहता है तुम्हें कैसे पता? तो यंदो कहती है मत भूलो कि मेरी जॉब क्या है, मुझे सब जानकारी रहती है, शायद इस टाइम वो नॉनस्टॉप छींक रही होगी क्योंकि तुम उसे याद कर रहे हो। तो तेंगी बाई कहता है सॉरी मैंने तुम्हें बरी कर दिया। तो यंदो कहती है तुम अभी किसी के बारे में मत सोचो, सिर्फ अपने कॉम्पिटिशन पर फोकस करो। तो वो कहता है ठीक है और उसे हक कर लेता है। फिर यंदो उसकी ट्रेनिंग कराती है और कहती है सॉरी तेंगी बाई, मैंने तुम्हें लिन सेंग की कंडीशन के बारे में नहीं बताया है, बिकॉज आई नो अगर तुम्हें पता चला तो तुम खुद को ब्लेम करोगे और ज्यादा दुखी हो जाओगे, लेकिन इस टाइम सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारा ड्रीम है और तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, सो प्लीज मुझे माफ कर देना तुम्हें सच ना बताने के लिए। वेल नेक्स्ट मॉर्निंग यंगयंग अपनी टीम को ट्रेनिंग करा रही होती है और दूसरी साइड लिन हाओ यंग अपनी टीम को। तो यंगयंग की टीम की गर्ल्स उसे देखकर कहती हैं सच में ये कितना हैंडसम कैप्टन है। तो यंगयंग उसे स्टॉप करके ट्रेनिंग पर फोकस करने को कहती है और तभी वहाँ चिरी फोंग आ जाता है। तो चिरी फोंग के सामने वो यंगयंग को हाई करता है, तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। तो लास्ट टाइम लिन हाओ ने यंगयंग से कहा होता है मुझे बस एक चांस दे दो खुद को प्रूव करने के लिए कि मैं तुम्हें कितना लाइक करता हूँ। तो यंगयंग मना करती है। तो लिन हाओ कहता है तुम चाहे मेरे साथ मत रहो लेकिन मेरी लास्ट रिक्वेस्ट को भी मना मत करो, मैं इसे हैंडल नहीं कर पाऊंगा। तो यंगयंग उन दोनों को ही इग्नोर करके वहां से चली जाती है। और तभी यंदो आ जाती है। तो चिरी फोंग उससे पूछता है तुम तो एंटरटेनमेंट सेक्टर की हो ना, तो तुम यहाँ वापस क्यों आई हो? तो वो उसे बताती है कि मेरा ट्रांसफर वापस स्पोर्ट्स सेक्टर में कर दिया गया है, मैं यहाँ तुम लोगों को चीयर अप करने आई हूँ,
तो चिरीफोंग कहता है, आई नो कि तुम यहाँ सिंगल लोगों को तड़पाने आई हो। तभी तेंगी बाई आता है तो यंदुओ तेंगी बाई से पूछती है, क्या चिरीफोंग आजकल वियर्ड नहीं लग रहा? जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो वो काफी हैप्पी लगता है, लेकिन आज काफी परेशान और चुप लग रहा है, क्या उसे कुछ हो गया है? तो तेंगी बाई कहता है, वो ठीक है। वेल, यंदुओ कहती है, मैं यहाँ तुम्हें चेयर अप करने आई हूँ। तो तेंगी बाई कहता है, मेरी रेस शुरू होने का वेट करो, यहाँ मैं प्रिपेयर होने जा रहा हूँ। और ये एपिसोड यहीं फिनिश होता है।